अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरी से होंगे और अपने घर वालों के साथ अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड बिल्कुल ब्लॉक है और सब लोग उतर के अपनी मदद आप देखना चाह रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है और क्यों रोड ब्लॉक है। और हम लोग जो कि माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, लेकिन हमने आगे जाने की फुर्सत नहीं की क्योंकि हमारे साथ फैमिली है और हम पहले ही मुड़ गए हैं, क्योंकि हम कोई ट्रबल नहीं देखना चाहते इन स्पेशली अपनी पिकनिक में। तो साथ ही गन्ने कपास क्या कहते थे कि पौधे लगे हुए थे, और ये भी बहुत सारे जैसे कि फिर से आ गए माशाल्लाह। हाँ, एक बार बचपन में मैं यहाँ उतरी हुई थी देखने के लिए ये कैसा होता है। मैंने इसको हाथ लगाते देखा था, वो सो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरी ख्वाहिश थी एक किस्म की, तो मैं देख कर आई। और अब हम पहुंच गए मोटरवे पे M2, और यहाँ का भी एक अपना ही इंजॉय है। M2 पे चढ़ने के बाद आपको स्टेइंग एरिया तो मिलता है, लेकिन इस तरह जैसे हम पहले देख कर आए हैं, माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरतें, वो बहुत दूर दूर दिखती हैं M2 में खासकर। और स्पेशली रोड ट्रिप में जब आप सब एक साथ बैठे हों तो अवॉइड किया करें नाराज़गियों को, क्योंकि बात बात पे नाराज़ होना पिकनिक को बिल्कुल ख़राब कर देता है। इस वजह से अगर कुछ नाराज़गी हो भी जाए तो उसे कहा करें इट्स ओके, हम अपने इंजॉय क्यों ख़राब करें और किसी का इंजॉय भी क्यों ख़राब करें, क्योंकि इट्स कॉस्ट मनी, ये पैसा लगता है इतनी दूर जाने के लिए। और मेरी तो ये एडवाइस है कि जो सोए उसके मुंह पे एक जोरदार चमाट लगा दिया जाए, स्लैप यू नो थप्पड़, क्योंकि सोने से क्या फ़ायदा। अगर आप सोएंगे तो आप देखेंगे कैसे अल्लाह की कुदरतों को। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दूर दूर खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं और ट्यूबवेल भी हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।